मुझे तो लगता है सबको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा है। अरे कुमुद, ऐसा कुछ नहीं है। योगी होती तो वो भी वेदिका के साथ खड़ी होती। तुम्हें भी वेदिका पर भरोसा रखना पड़ेगा। मेरे कारण आपस में कलेश मत कीजिए। वेदिका ने लिया बड़ा फैसला, लेकर आएगी डिम्पी को घर वापस। दोस्तों, अगर हम बात करें कलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो सावी के सवारी के अपकमिंग ट्रैक के बारे में, तो शो में आप देखने वाले हैं कि वेदिका लेती है फैसला कि अब डिम्पी को वो घर लाएगी। ये बात लेकिन बुआ दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। बुआ दादी साफ मना कर देती हैं कि डिम्पी घर में नहीं आएगी। सबके सामने तुमने जैसे बात की हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हमें आदत नहीं है कि कोई हमारे साथ ऐसे भी। लालच में आकर इस परिवार के साथ बहुत गलत किया है। गलत क्या, मैंने तो गुनाह किए हैं बॉडी, बड़े बड़े गुनाह किए। ये मैं आपसे कोई उम्मीद कर ही नहीं सकती। आपसे क्या, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं इस परिवार के किसी भी सदस्य से कोई उम्मीद रखूं। जिसके बाद बुआ दादी बात करती हैं नित्यम के दादाजी से और उन्हें बताती हैं कि इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मैं मना कर रही हूँ, फिर भी वेदिका डिम्पी को घर ले आ रही है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और फिर बेबी के पापा भी तो है वो। मेरे लिए इस घर में पहले जैसा कुछ भी और है, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। आपने मुझे इस घर में रहने दिया, बस वही काफी है बॉडी। मैं आप सबको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। मैं अपना सारा का सारा काम खुद कर लूंगी, खाना खुद बनाऊंगी, कपड़े खुद धोऊंगी, बस एक कमरे में रहूंगी। एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं आप सब से, आप सब मेरे कारण आपस में कलेश मत कीजिए। इस घर में हमेशा से सुख और शांति रही है, मेरे कारण आप उसे मत बिगाड़िए। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। इतने में डिम्पी वहाँ पे पहुँच जाती है और वेदिका के पास जाके कहती है कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे इस घर में रहने दे रहे हो, ये आपका बड़प्पन है।